हेलो दोस्तों, सबको जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। आज हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। रात की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। उस महान जीवित परमेश्वर का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। इसके लिए यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है। मेरे प्रियजनों, जो हम सभी से पाप हुए हैं, गुनाह हुए हैं, गलतियां हुई हैं, मेरे प्रियजनों, आज आपको परमेश्वर से बताना है। अपना फालतू समय इधर उधर किसी पास्टर के पीछे भागने से नहीं बिताना है, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जो समय, जो टाइम पिता ने आपको दिया है, इस समय का इस्तेमाल करिए, पवित्रता में जियो, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पवित्रता का जीवन जियो, वचन में अपना जीवन बिताओ, यीशु मसीह पे विश्वास करो। भागा दौड़ी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है मेरे प्रियजनों। जितना आप इधर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बेकार करते हैं, यदि अपना टाइम उतना ही परमेश्वर को दे दो तो परमेश्वर आपकी समस्याओं को, जो आप चाहते हैं, परमेश्वर आपको देगा, आपको परमेश्वर ऊंचा कर देगा मेरे प्रभु। अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें, अपना कीमती टाइम जो है प्रभु को दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे उस हिसाब का, उस टाइम का, उस अवसर का लेखा आपसे लेगा। इधर उधर किसी पास्टर के पीछे भागने से कुछ फायदा नहीं होगा। आप अपना वही टाइम परमेश्वर के साथ बिताइए और पिता से बात करिए, पिता से प्रार्थना करिए कि प्रभु की क्या इच्छाएं हैं, प्रभु की क्या जरूरतें हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा मेरे प्रभु। बहुत सारे लोग आज मनुष्य का सहारा लेते हैं, पास्टर प्रचारक के ऊपर विश्वास करते हैं। वे शायद भूल चुके हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है यशाया की पुस्तक में, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य का सहारा लेता है, उस पर भरोसा रखता है। हमें किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है, उस पर हमें विश्वास या भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम इधर उधर बर्बाद ना करें मेरे प्रभु। अपना जो टाइम है, कीमती वक्त है, परमेश्वर को दो, यीशु मसीह को दो। परमेश्वर आप जानता है कि आपको क्या चाहिए और हमें क्या चाहिए। परमेश्वर जानता है, पिता हमारी मन की बातों को, हमारी इच्छाओं की बातों को परमेश्वर जानता है। यीशु मसीह हमारे मन की बातों को जानते हैं। तो आप क्यों चिंता करते हो, क्यों उदास हो, क्यों टेंशन लेते हो? पिता है ना जो स्वर्ग में, वो सब कुछ देखता है। पिता की आँखें सब मनुष्यों को देखती रहती है, हर स्थान पर लगी रहती हैं। परमेश्वर जानता अपनी इच्छा, अपनी जरूरत, अपनी समस्या। यदि आप यीशु मसीह से बताते हैं, परमेश्वर से बताते हैं, तो यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को हमारा परमेश्वर जड़ से खत्म करेगा। आज बहुत सारे लोग चिंता में हैं, उदासी में हैं, बेचैनी में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो आज मेरे प्रियजनों, आपको डरना या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको परमेश्वर से बताना है। बहुत सारे लोग पिता से नहीं बताते हैं, इंसानों से बताते रहते हैं, वे बोलने में शर्माते हैं, मांगने में शर्माते रहते हैं, वे यही सोचते रहते हैं शायद सामने वाला देख रहा है, शर्म लगती है। हमें परमेश्वर से शर्माना नहीं है, उसके कामों में शर्माना नहीं है, उसकी वर्शिप करने में शर्माना नहीं है, वचन बताने में शर्माना नहीं है, प्रार्थना करने में शर्माना नहीं है। यदि आप आज शर्मा गए तो आज आपको पूरी ज़िंदगी शर्माना पड़ सकता है मेरे प्रियजनों। यदि आप लज्जता को, शर्मिंदगी को यदि दूर करके पिता के पीछे आए हैं तो परमेश्वर आपको देगा मेरे प्रियजनों, क्योंकि यीशु वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, वो आपके मांगने से पहले जानता है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मन की बातों को, तेरे हृदय की बातों को मैं जानता हूँ, तुझे क्या चाहिए, पहले तू मेरे धर्म और राज की खोज कर तो ये सब वस्तुएं तुझे दे दी जाएंगी, इनामी गिफ्ट में पिता हमें दे देगा। क्यों चिंता करते हो, आप क्यों हेडेक लेते हो? पिता है ना स्वर्ग में, वो आपकी चिंता करता है। यीशु मसीह ने कहा है, तू कल की चिंता क्यों करता है, आज का दुख ही बहुत है, कल की चिंता तो कल का दिन ही कर लेगा मेरे प्रभु। आप क्यों टेंशन लेते हो? यदि आप दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्याओं में हो, बीमारी में हो, गरीबी में हो, उदासी में, बेचैनी में हो मेरे प्रियजनों, आज आपको परमेश्वर से बोलना है, आज आपको यीशु मसीह से बताना है। उस परमेश्वर से बताओ जो सदा की करुणा उसकी है मेरे प्रियजनों। यदि आप पिता से बताते हैं, परमेश्वर से बताते हैं, यीशु मसीह से बताते हैं, तो परमेश्वर आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को ज्यों का त्यों कर देगा मेरे प्रियजनों। वह ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग पाप करते, गुनाह करते, व्यभिचार करते,
और प्रार्थना भी करते हैं और बोलते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। अरे कैसे नहीं देता है मेरे प्रियजनों, आप पाप बुराई गुनाह व्यभिचार को छोड़ दो और पवित्र एक जीवन जियो। जो आप परमेश्वर से विश्वास के साथ मांग लोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा तो तू इस पेड़ से या इस पहाड़ से कहते उखड़ जा, उस स्थान पे चला जा, तो वह तेरी बात मान लेगा, क्योंकि विश्वास विश्वास ही के द्वारा हम लोग को उठा लिया गया था मेरे प्रिय, जिंदा है स्वर्ग में उठा लिया गया था। आज वो सारे लोग संदेह कर लेते हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि शायद मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें संदेह नहीं करना, विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। हमें विश्वास करना है कि जैसा आप बोलोगे वैसा परमेश्वर कर देगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे मुख का सृजनहार परमेश्वर है। ठीक है, इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनेंगे, अपनी इच्छाओं को जरूरतों को परमेश्वर से बताइए। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर, आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं मेरे पिता यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो आपने मेरे पिता हम सभी को मेरे प्रभु जीवतों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है मेरे प्रभु, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा है मेरे प्रभु। इसके लिए मेरे पिता यीशु पापा आपका कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे प्रभु, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे प्रभु जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं मेरे परमेश्वर। जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया प्रभु, उद्धार किया, छुटकारा किया, एक अनंत काल का जीवन दिया मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो इस वक्त इस प्रार्थना को मसीह बाबा अपने फोन पे पूरे विश्वास के साथ मेरे पिता सुन रहे हैं पिता, और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करें मेरे परमेश्वर। जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, टूट चुके हैं, उदासी में, बेचैनी में, डरे हुए, घबराए हुए मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से ये मसीह बहन आजाद हो जाए, आजादी को रिसीव करने पाए अपने जीवन में मेरे परमेश्वर, ये आजाद हो जाए पिता। पिता जिनका कैंसर, गलतिया, रसोलिया, पथरिया, जो हॉस्पिटल में एडमिट रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे, अपनी खाट प्रयासों से भिगो रहे मेरे परमेश्वर, इनका उठना बैठना मेरे परमेश्वर, इनका रोना बिलखना चिल्लाना मेरे परमेश्वर सुन और देख मेरे परमेश्वर। स्वर्ग से पिता इनके आंसू पोंछ दे मेरे परमेश्वर, स्वर्ग से इनके आंसू पोंछ दे सूरज, स्वर्ग से इनके आंसू को पोंछ दीजिए मेरे परमेश्वर। आप महान हैं पिता, आप दयालु हैं पिता, आप राजाओं के राजा हैं पिता, आप प्रभु के प्रभु हैं मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा मेरे परमेश्वर। आपके नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जी ये मसीह में आजाद हो जाए। जिन घर में लड़ाई झगड़ा होता है, काला जादू, हर एक तरह के बंधन, दुष्ट आत्माओं के बंधन है मेरे परमेश्वर, हर एक गंदी बदुर हुई गंदी आत्माओं के बंधन आज टूट जाए, सच में मेरे परमेश्वर बंधन जल जाए, उस अभिषेक से द्वारा बंधन जल जाए, महासामर्थ के द्वारा बंधन जल जाए। आज पाप की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदी आत्माएं आज जाए मेरे परमेश्वर, आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर। आज इनका घराना आज हील हो जाए, जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं आज लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, हर एक तरह के बंधन जल जाए मेरे परमेश्वर, ये आजाद हो जाए पवित्र आत्मा से। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर उन बहनों के लिए पिता, जिन बहनों के बच्चे नहीं होते, जिनकी कोख बंद पड़ी है मेरे परमेश्वर, 10 साल से 20 साल से बच्चा नहीं हो रहा मेरे परमेश्वर, आपसे मांग रही पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, गुहारता हूँ यीशु पिता। हम मांगते हैं परमेश्वर जिन बहनों की बंद कोखे हैं, बंद कोखे खुल जाए यीशु नासिर के नाम में, बंद कोखे खुल जाए मेरे परमेश्वर, आज की कोखे खुल जाए मेरे परमेश्वर, ये आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, स्वर्ग से बच्चे की आशीष मिलने पाए मेरे परमेश्वर। पिता आपका वचन कहता है लड़के यहोवा की ओर से मिलते हैं, गर्भ का फल यहोवा की ओर से ही मिलता है मेरे परमेश्वर। पिता जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो परेशान हैं मेरे परमेश्वर, आप गरीबों को सुधी लीजिए, गरीबों की सुधी लीजिए मेरे परमेश्वर। पिता आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे मेरे परमेश्वर। आपके नाम से मांगता हूँ, ढूंढता हूँ यीशु पिता, ये इनकी गरीबी, तंगी, परेशानी मेरे परमेश्वर चली जाए,
जाती रहे मेरे परमेश्वर, इनकी तंगियां परेशानियां मेरे परमेश्वर जाती रहे पवित्र आत्मा जी, ये आजाद हो जाए मेरे पिता, इनका घराना आज बदल जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो मसीह में रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता भलकता, आपका वचन कहता है मेरे प्रभु, जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना मेरे परमेश्वर। पिता मुझे आशा विश्वास से अपने प्रार्थना को सुना है, ये छोटी सी विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।